हाँ जी बेटे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग 6 अगस्त 2020, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मैंने बच्चों को 3 क्वेश्चंस कहा था घर से करने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे हैं बहुत समझदार हैं, वो नहीं करते। हमारे बच्चे कहते हैं सर आपके होते हुए हमें करने की क्या जरूरत है। ठीक है बेटे, आप सही बात कहते हैं, मेरे होते हुए आपको करने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि आप लोग बार बार रिवाइज करें चीजों को और आप क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करें। बेटे क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं बेटे, पेज नंबर 6.60 पे दिया गया है। पेज नंबर 6.60 पे दिया गया है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 4:3:2 की रेशियो है बेटे। फोर थ्री टू के हमें ओल्ड रेशियो दी गई है। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट भी हमें दी गई है बेटे। 31 मार्च 2020 के लिए हमें बैलेंस शीट भी दी गई है। क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट कैश एट बैंक डेटर्स प्रोविजन स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग और व्हीकल लोन। वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। वाई ने एक नोटिस दिया है बेटे, अब वो हमारी पार्टनरशिप में हमारे साथ नहीं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म वर एग्रीड। ये एडजस्टमेंट हम लोगों को दी गई है बेटे, यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको दी गई है, जिसमें पहली 3 एडजस्टमेंट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को लेकर है, मतलब रिवेल्यूशन अकाउंट को लेकर है। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स गुड है तो हमें जरूरत नहीं है प्रोविजन की। और स्टॉक अप्रिशिएट हो गया बेटा 20% से। तो हम बच्चे यहां पर एक रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। बच्चों को अच्छे से पता है बेटे, डेबिट साइड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। क्रेडिट साइड एसेट्स इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी कम होती है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10% से, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ₹15,000 का 10% 1500। प्रोविजन बेटे अब हम लोगों को नहीं चाहिए, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 105। बेटे स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 20% से, बाय स्टॉक 4800 का आपका स्टॉक है, 20% से एप्रिशिएट हो रहा है बेटे 960। अगर हम टोटल करें तो 2565। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ,
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड रेशियो में 432 डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग इसको बेटे तो ये आ जाएगा 1140855570। बच्चों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया साथ साथ? जी सर हमने बनाया, शाबाश बेटे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के बैलेंस आ जाएंगे बच्चे, बाय बैलेंस बीडी 12,000, 9,000, 6,000। जी सर। उसके बाद बेटे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ हम लोगों को, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1140855570। बेटे हमें ना यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दी गई है पॉइंट नंबर डी के अंदर। बच्चे इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा इस लाइन में कुछ है नहीं बेटे, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड। हमें एक एडजस्टमेंट करनी है उस मिस्टेक के लिए जिसको हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं जो पहले हो चुकी है बेटा, प्रीवियसली कमिटेड हो गई। वेयर बाय वाई वाज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय 810, वाई को आपने 810 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है बेटे, यानी वाई को आपने 810 रुपए से ज्यादा लिख दिया था बेटे। तो सर अगर हमने वाई को पहले क्रेडिट ज्यादा किया हुआ है तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करें, हम बेटा उसको डेबिट कर देते, हम वाई को डेबिट कर देते हैं बेटे। तो सर हम यहां लिख देते हैं टू एक्सेस क्रेडिट, जी सर आप वाई के अकाउंट में लिख दो 810 रेक्टिफाइड। आपने वाई को क्रेडिट ज्यादा से कर दिया था, अब मैंने उसको डेबिट कर दिया तो वाई का अकाउंट तो जीरो हो गया। आगे कहता है व्हाइल एक्स एंड जेड वर डेबिटेड इन एक्सेस 420 एंड 390 रिस्पेक्टिवली, और आपने एक्स और जेड को गलती से डेबिट कर रखा है ज्यादा, एक्स को 420 रुपए से और बेटे वाई को 390 रुपए से। तो सर आप क्या करेंगे, आपने उनको डेबिट किया हुआ है तो आप उनको क्रेडिट कर दो, बाय एक्सेस डेबिट था नाउ रेक्टिफाइड ₹420 और 390 रुपए। जिसको आपने गलती से डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर दो, और जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया था बेटे उसको डेबिट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है, बात खत्म हो, हमारी गलती ठीक होगी। ठीक है सर। बेटे एक
क्वेश्चन में ना वाई का लोन दिया हुआ है आप लोगों को, वाई का लोन दिया हुआ बेटे 20,000 का, आपको वाई का पार्टनर का लोन दिया हुआ बेटा 20,000 रुपए का, ठीक है। तो हमारे पास उसकी दो ट्रीटमेंट होती है बेटे, या तो हम वाई के लोन का अलग से अकाउंट बना ले, या फिर हम उसको कैपिटल अकाउंट में ही शो करें, ठीक है बेटे। या तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में शो करें, तो हम लोग क्या करेंगे, आप हमेशा याद करेंगे बेटे कि हम लोग पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है, पार्टनर का लोन अकाउंट हम लोग कभी भी, पार्टनर का लोन अकाउंट कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे बेटे, हम पार्टनर के लोन के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे। हम यहां लिखेंगे वाइज लोन अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटे उसका लोन अकाउंट हम लोग अलग से बनाएंगे, वाइज लोन अकाउंट हम लोग उसको अलग से बनाएंगे बेटे, ठीक है सर। बेटे लोन का ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट होता है, सर, लेकिन यहां तो लोन दिया हुआ है 20,000, सर हमने, अच्छा बेटे यहां ना वाई का लोन अकाउंट क्या है बेटे, वाई को आप लोगों ने लोन दिया हुआ है, आपने लिया नहीं है बेटे वाई से लोन, आपने एसेट साइड में लिखा हुआ है, नहीं आपने वाई को लोन दिया हुआ है बेटे, हमें वापस नहीं करना, हमें तो बल्कि उससे लेना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखा बच्चों ने, रेक्टिफिकेशन वाली बात कर ली, गुडविल की बात कर लेते हैं। बेटे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 5,400, इसको मल्टीप्लाई करो वाई के शेयर के साथ 3/9, ये आ गया बेटा 9,654,18, ये बेटे वाई का शेयर, ये लेकर आएंगे अपने घर से एक्स ऑफ जेड। बेटा रेशो दे रखी है एक्स और जेड की, हू आर गोइंग टू शेयर इन द रेशो 2:1, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट, वाई को देंगे बेटे एक्स 1200, जेड देगा 600, यहां मैं लिखूंगा 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स को 1200 से डेबिट करेंगे, जेड को 600 से डेबिट करेंगे, ठीक है सर। बेटे जो वाई को हमने लोन दिया हुआ था 20,000 का, अब हम उसे वापस लेंगे, वो तो जा रहे हैं हमारे यहां से, ये देखो, क्योंकि वो हमें लोन एसेट साइड दिया गया बच्चे, जब एसेट साइड पार्टनर का लोन है इसका मतलब हमने उसको लोन दे रखा है, इसका मतलब फर्म गिव्स लोन टू वाई, इसका मतलब ये है बेटे कि फर्म ने लोन दिया हुआ है वाई को, तो अब हम उसे वापस ले लेंगे बेटे, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे 20,000। बेटे लास्ट पॉइंट देखेंगे ना अगर आप लोग, पॉइंट नंबर एफ,
इट वॉज डिसाइडेड बाई एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमिडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट, कि बेटे उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको अभी पे करो बेटे, अभी साथ के साथ इमिडिएटली पे करना है, बात खत्म करनी। ठीक है सर, लेकिन सर यहाँ तो उससे लेना ज्यादा बन गया, यहाँ तो उसको हमें पे नहीं करना, उससे वापस मंगाना पड़ेगा। बेटा वही तो इस क्वेश्चन की खास बात है कि हमें यहाँ पर उसको पे नहीं करना है यहाँ पर, बल्कि उससे हमें मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वाई का जो डेबिट साइड है ना बच्चों, जो वाई की डेबिट साइड है ये ज्यादा आ रही है, ये हमें उससे मंगाना है 20,810। अगर हम लोग अपने क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे ना बच्चों, तो यहां पर आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये हम उससे मंगवाएंगे बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर हम उससे मंगवाएंगे 9,155। हम यहां पर वाई को पे नहीं करेंगे, हमें वाई से और मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वाई से हमें लेना है 20,810 और उसको देना क्या है 9,855,1,200 1800 रुपए, ये 9,000, ये 10,800 और 855, लेना ज्यादा है देना कम है, तो हम उससे कह रहे हैं भैया और लेकर आओ अपने घर से 9,155 और अपने अकाउंट को सेटल करो। बेटे यहाँ पे इसका टोटल करेंगे 13,560, 6,960, 13,560, 6,960, यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस निकाल देंगे बेटे, तो बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 12,360, 6,360। बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी नहीं है बेटे, बैलेंस शीट की हमें जरूरत नहीं है। बच्चे नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आगे नहीं चल रहा। हमने बच्चों को काफी टाइम दिया, बच्चों ने इसको नोट किया। क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 6.61। बेटे आपको बैलेंस शीट दी गई है एक्स वाई और जेड की, और इनकी रेशियो है 3:3:2। बैलेंस शीट के साथ लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखा है बेटे, जनरल रिजर्व लिखा है, पार्टनर का लोन अकाउंट लिखा है, कैपिटल अकाउंट लिखा है, एसेट्स के अंदर कैश एट बैंक और बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे 1 अप्रैल 2020 को वाई रिटायर हो रहा है फॉर्म से, और बेटे हमें कहा गया है कि स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय ₹12,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, वो नहीं भी कहते तो हम लोग करते, प्रोविजन को इंक्रीज करना है ₹2,600, फिक्स एसेट्स को अप्रिशिएट करो बाय 10%, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹80,000 एंड द
अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर बी एडजस्टेड इन एक्सटेंड जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, रिवेल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट एसेट्स की वैल्यू कम लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज लाइबिलिटी कम। बेटे स्टॉक को रिड्यूस करना है 12,000 से, एसेट्स कम हो रही हैं। प्रोविजन को हमें 6,000 रुपए तक लेकर आना है, 2,6,000, 4,000 रुपए से तो ऑलरेडी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 6,000 तक लाना है, 4,000 तक हम बना चुके हैं। फिक्स एसेट्स जो है वो एप्रिशिएट हो रही है 10% से, ₹3,00,000 का 10%। ₹30,000 30,000 में से हम 14,000 माइनस कर दें, ₹16,000। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड रेशियो 3:3:2 है, 6,000 6,000 फर्म की गुडविल है, ₹80,000। बाई का शेयर है, 80,000 इंटू 3/8 30,000। एक्स और सेट इसको अपने घर से लेकर आएंगे, अब उनकी रेशियो रहेगी हमारे पास 3:2, 30,000 इंटू 3/5 18,000 और 12,000, ये एक्स का शेयर, ये वाई जेड का शेयर। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, ₹1,60,000, 50,000 जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है,
बाय जनरल रिजर्व। By revaluation profit, goodwill की entry कर देंगे, by X and Z capital account। तीसरा रिवर्स एंट्री टू वाइज कैपिटल अकाउंट 18,000 12,000। एक बेटे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना है, छ हजार 4,000। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ, ₹1,500,000। और कुछ भी नहीं है हमारे पास। टोटल करेंगे बेटे, सबसे पहले वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वाई को कैश में तो पे कर ही नहीं रहे, कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि हम उसको पे कर रहे हैं, तो उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं 1,18,500। ये हमें उसको देना है। सर एक ना बैलेंस शीट में पार्टनर्स का लोन दिया हुआ है बेटे, वो लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो जब भी कभी लाइबिलिटी साइड पार्टनर का लोन होगा हमें उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रीट नहीं करना होता, हमें उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, अब बेटे इन दोनों पार्टनर्स के लिए बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। एक लाख 10,500 और 57। सर फिर बैलेंस शीट अगर होती तो हम कैसे ट्रीट करते बेटे? देखो वैसे बैलेंस शीट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रीट करना होता तो हमें कैसे करना होता? देखो जो वाई का लोन दिया हुआ है हमें 40,000 रुपये उसको पहले देने हैं, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी में 1,18,500 हमारे लिए ये लोन हो गया, तो उसका टोटल लोन हमारे पास 1,58,500 का आ जाता है बैलेंस शीट। चालीस हजार 1,18,500 ये हमें उसको पहले से देना था, ये ऑलरेडी बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास लाइबिलिटी साइड में, और 1,18,500 हमें उसको करंट ईयर का पे करना है, जो करंट ईयर में हमने उसका बैलेंस निकाला जब वो रिटायर हो रहे हैं, है ना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बैलेंस शीट में उसका बैलेंस आता है 1,58,500। लेकिन अभी आपको लोन अकाउंट और बैलेंस शीट की इस साल कोई भी जरूरत नहीं। बच्चों ने ये दोनों क्वेश्चन अभी मेरे साथ करें, ठीक है, आप लोग इसको नोट करें पहले अच्छे से।